हमारी दुश्मनी है से, हमारी दुश्मनी है आईएसआई से, हमारी दुश्मनी है इंटरनेशनल टेररिस्टों से, हमारी आम आदमी से, किसी से पाकिस्तान में दुश्मनी नहीं। अच्छा, बोलने दीजिए सरदाना साहब। सर मैं तो बोलने दे रहा हूँ, आप ही रुक गए, आप ही बोलने लगे थे बीच में। इनको कर 370 धारा हटाई ना हमने, हटाई ना। और आपका पीओके लेकर रहेंगे, याद रखना। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे लगता है एक ब्रेक लेना चाहिए। एक सेकंड, सोए होंगे आप लोग, रुक जाइए, दोनों सोए होंगे, दोनों रुक जाइए। विक्टर साहब कि वो हमारे कब्जे में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल संयुक्त राष्ट्र की बैठक को संबोधित करेंगे, लेकिन उसके पहले आतंकवाद पर उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान यूएन से प्रतिबंधित आतंकवादी हाफिज सईद को हर महीने 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का इंतजाम कराने में कामयाब हो गया। यूएन से उसने हाफिज सईद के बैंक खाते को ऑपरेट करने की इजाजत हासिल कर ली है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित देश बताता है, लेकिन हाफिज सईद को लेकर उसका रवैया बताता है कि उसे आतंकवादियों की फिक्र है, ना कि आतंक के खिलाफ लड़ाई की। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे। हमारे साथ आज पाकिस्तान से 2 मेहमान होंगे। कमर चीमा हमारे साथ होंगे, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के, और माई दली हमारे साथ होंगे, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से आते हैं। दोनों स्काइप के जरिए आज दंगल का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ के शर्मा हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। इसके अलावा भारत से भी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, और MS बिट्टा हमारे साथ होंगे, वो चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। आप सबका स्वागत है दंगल में। पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं कि मेरा ख्याल ये पाकिस्तान से हैं कोई, या तो अली साहब हैं जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहा, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, इनके लिए क्या जो भी वो भी फ्रीडम फाइटर है क्या? हिंदुस्तान के अंदर 26/11 की घटना, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट का हमला, हिंदुस्तान के अंदर दीनानगर की घटना, हिंदुस्तान के अंदर पठानकोट की घटना, हिंदुस्तान के अंदर जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का मारे जाना, दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट होना, क्या वो फ्रीडम फाइटर है? मैं से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने, क्या हिंदुस्तान की एजेंसियों ने, क्या पाकिस्तान में जाकर के किसी बेगुनाह का कत्लेआम किया, किसी बहन का सुहाग उजाड़ा, किसी बच्चे को यतीम किया? वहां सैनिक स्कूल के अंदर बच्चे आतंकवादियों ने मार दे। हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने आंखें नम की, बच्चे पाकिस्तान में हो या बच्चे दुनिया में हो, आतंकवादियों में मारे गए, हम उनसे कहते हैं कि ये गलत हुआ है। और आप बेगुनाहों के कातिलों को, इंटरनेशनल आतंकवादियों को आप कहते हैं फ्रीडम फाइटर है? याद रखिए, 40 जवान शहीद हुए थे, बालाकोट में घुस करके आपके टैंकों को तबाह कर दिया था, 18 जवान शहीद हुए थे पाकिस्तान में घुस करके आपके कैंपों को तबाह करके, 40 आतंकवादियों को मार के आए थे, वो जमाने सब निकल गए। ये आज का भारत है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी है। एक गोली चलेगी ना, 100 गोली का जवाब देंगे, पर हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है। मौत का कफन बांध करके नरेंद्र मोदी जी गए थे पाकिस्तान, हमने सबने हिंदुस्तान में विरोध किया था या नहीं किया था? उसके बाद क्या किया दिया आपने हमें? हंस रहे हैं आप? दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, आपको जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे। हम जो युद्ध नहीं चाहते, एक चलाओगे 100 चलाएंगे, याद रखना, वो आपको बता दिया। इंटरनेशनल आपकी हार हुई है, ये विश्व गुरु बनेगा आतंकवाद के मुद्दे पे ऊपर हिंदुस्तान, याद रखिएगा। वो जमाने लद गए जिन जवानों के इंतजार करते थे, हमारे जवानों के सिर कट जाते थे और हम लाल कारपेट से स्वागत करते थे, अब नहीं होगा। प्यार है तो प्यार है, गोली है तो फिर गोली है। ओके बेटा साहब, कमर चीमा बोलिए, आप हाथ उठा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? ये बिट्टा साहब को पता नहीं है, मैं बताता हूँ इनको। बिट्टा साहब, ये सर, ये जो कुलभूषण यादव साहब जो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में पकड़े गए थे, ये यहाँ पे मिठाई की दुकानें चलाते हैं, ये क्या करते हैं? ये तो आप अभी इंटरनेशनल कोर्ट में इसके पीछे आप फंस चुके हैं। क्या यादव ने किसी को गोली मारी थी? पूछना चाहता हूँ, क्या यादव दाऊद इब्राहिम था?
क्या क्या यादव अलदेन था क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, यादव को ले रहे हैं यादव, आपके भी बड़े आपको गलत नहीं है, आपको आज का हिंदुस्तान है। एक एक करके बोल लीजिए ना बिट्टा साहब, बिट्टा साहब, बिट्टा साहब, बिट्टा साहब, बिट्टा साहब। पाकिस्तान में हर आम आदमी, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी है बैंक ग्राहकों के कातलों से, हमारी दुश्मनी है आईएसआई से, हमारी दुश्मनी है इंटरनेट टेररिस्टों से, हमारी आम आदमी से किसी से पाकिस्तान में दुश्मनी नहीं। याद रखिएगा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान क्यों गए थे? अमन शांति का संदेश लेके गए थे? मेरा सवाल का जवाब दीजिए, गए थे? उसके बाद दीनानगर और पठानकोट की घटना क्यों हुई? मेरी एक चीज का सवाल दे दीजिए। अच्छा एक सेकंड बिट्टा साहब, एक सेकंड, उनको जवाब देने तो दीजिए बिट्टा साहब, क्या है ना, एक सेकंड, एक सेकंड, कमर चीमा होल्ड होल्ड, कमर चीमा एक सेकंड, कमर चीमा मैं एक चीज का सवाल पूछता हूँ, कमर चीमा एक सेकंड का सवाल पूछता हूँ, ठीक है फिर लड़ लीजिए। क्या है, क्या चाहते हैं बताइए, हम आवाज उठाते हैं, आप क्या चाहते हैं, जंग चाहते हैं आप, जंग चाहते हैं हम, जंग नहीं चाहते, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बालाकोट जैसी और घटनाएं हो, चाहते हैं, हम तैयार खड़े हैं, याद रखिए। मैं फिर कहूँ जनाब, ये आज का हिंदुस्तान है, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो आतंकवाद पे कंप्रोमाइज नहीं करता है। आप पंजाब में क्या किया आपने, ड्रोन के जरिए AK-47 भेज दी, अभी भी वहाँ बड़ी बड़ी नहरों में AK-47 की तलाश है। कश्मीर से फेल हुए तो पंजाब में आ गए, पंजाब से फेल हुए फिर यमुनानगर चले जाएंगे, यही काम है आपका, यही काम है, हम ये काम नहीं करते, हम तो चलाते सीधी खुल के। अच्छा एक सेकंड एमएस बिट्टा, एक सेकंड, एक सेकंड एमएस बिट्टा और कमर चीमा, प्लीज 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 एक एक करके बोल लीजिए ना, अच्छा नहीं लगता, एक सेकंड, कमर चीमा एक सेकंड, एमएस बिट्टा आप भी और कमर चीमा आप भी दोनों एक सेकंड, कमर चीमा आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन के बैठे, एक सेकंड एमएस बिट्टा, एमएस बिट्टा प्लीज आप भी, एमएस बिट्टा प्लीज प्लीज आप भी प्लीज यहां से, एक सेकंड ना प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, अरे एक सेकंड रुक जाइए ना, कमर चीमा रुक तो रहा हूँ ना, तो आप रुक रहे हैं ना वो रुक रहे हैं, दोनों ही आपको लग रहा है कि यहीं से फैसला कर लेंगे। बोलने दीजिए सरदाना साहब, सर मैं तो बोलने दे रहा हूँ, आप ही रुक गए, आप ही बोलने लगे थे बीच में, इनको कर 370 धारा हटाई ना हमने, हटाई ना, और आप एक सेकंड याद रखना, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे लगता है एक ब्रेक लेना चाहिए, एक सेकंड, सोए होंगे आप लोग, रुक जाइए दोनों, सोए होंगे दोनों, रुक जाइए बिट्टा साहब, वो हमारे कब्जे में होगा, बिट्टा साहब थोड़ा रुक जाइए, हमारे कब्जे में, एमएस बिट्टा तो सीधे पीओके चले गए, वो कह रहे हैं कि आप रात में सोए होंगे, सुबह उठेंगे तो पता लगेगा कि पीओके भी इधर आ चुका है। तरीका ना आपको भाई साहब, आपका तरीका मुझे पता करना भी नहीं है, मुझे केवल आपसे ये जानना है कमर चीमा, आपको इससे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, कल को हाफिज सईद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बन जाए तो आप खुश हो जाएंगे। जिन जिन बच्चों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, आप नहीं कहते वेपन, अरे सर ये आप मत करिए ना, अब आप, मैं कहता हूँ हाफिज सईद तो आप चले जाते हैं कोलंबिया, मैं कहता हूँ हाफिज सईद को पीएम मानेंगे तो आपको याद आ जाता कश्मीर, आपको पता ही नहीं है। कमर चीमा क्या होता है, जब अपने अपने घर में माहौल खराब हो ना, जब अपने घर में माहौल खराब हो या आप खुद कांच के घर में हो तो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। एक कहावत है, जब कमर चीमा जी एक कहावत है, जब अपने घर में हालात खराब हो ना तो दूसरे को नहीं कहना चाहिए कि देखो तुम्हारा खराब चल रहा है, पहले अपनी दवाई करनी चाहिए कि आपकी अपनी दवाई हो जाए, अपना इलाज हो जाए, उसके बाद आप एक बात बताइए मुझे, अच्छा एक बात बताइए, अरे एक आराम से पूछ रहा हूँ, बात बताइए, अरे एक बात तो बताइए महाराज, बात तो बता दीजिए सरदारा साहब, मुझे बोलने दीजिए, हाँ आप ही को बोलने दूंगा, मैं तो सिर्फ इनसे ये समझना चाहता हूँ इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, इतने तो मसले ये कमर चीमा जी, अरे इसको मैं जवाब देता हूँ ना, ठीक है बिट्टा साहब आप ही जवाब दे दीजिए, उनको दे दीजिए जवाब, आप क्या कहना चाहते हैं एमएस बिट्टा, बोल लीजिए, मुझे एक बात बताइए, ये हाफिज को कहते हैं हाफिज साहब, जिसने 26/11 के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का कत्लेआम किया था, ये कहते हैं हम मुसलमानों के लीडर, इस्लाम ये नहीं कहता
कि किसी का कत्लेआम करो। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं अमेरिका के ऊपर कि पहले अमेरिका हमारी मदद करता था, आज अमेरिका बदला है। हमारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कारण अमेरिका ने अपने रुख को बदला है और आपको अकेला कर दिया इस दुनिया के अंदर अकेला। अरे ये बोलने से कुछ नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। करके दिखाया या नहीं बताओ, करके दिखाया या नहीं? कहाँ है हाफिज, कहीं नजर आता है? कहाँ है दाऊद इब्राहिम, नजर आता है? कहाँ अजहर नजर आता है? मोदी मोदी रात को छपने आते हैं आपको जनाब। ये आज का भारत है, वो भारत पहले वाला भारत जा चुका है, याद रखना। अपनी आईएसआई को समझाइए, अपने नेताओं को समझाइए, अब वो वक्त नहीं है। हम तैयार खड़े हैं आपका जवाब देने के लिए, आपके गलतफहमी में। अब ये समझाने से कुछ नहीं आपके होगा, हम तो एक्शन करते हैं जनाब, हम एक्शन करते हैं। अमेरिका चाइना दुनिया दुनिया ने आपको ठुकरा दिया, पूरी दुनिया ने अलग थलग आपको। समय समय जा समय जा समय खत्म हो गया। पल्ले कुछ नहीं मेरी, पल्ले आपके पल्ले तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान ने इस तरह से जो है आपके पल्ले बताओ क्या है? पाकिस्तान अपने कब्र में कल देखते हैं क्या इनको, क्योंकि इसके बाद जो है आपका पाकिस्तान के लिए देखते हैं यूएनजीए में क्या होता है। किस मुंह से पाकिस्तान फिर खड़ा होकर ये कहेगा कि भाई हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, और भारत क्या इन मुद्दों को छेड़ेगा? या फिर बात वही होगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी कि भारत आतंकवाद से निपटने में सक्षम है, खुद निपट लेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी बड़ा प्रसंग होगा, आप देख रहे हैं आज तक।